तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एयरटेल की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है। एयरटेल अपना एक नए प्लान्स को लेके कुछ चेंजेस करने वाला है, जो कि उनके सीईओ ने हिंट करके बताया है। तो प्लान्स के चेंजेस क्या हैं और क्या कैसे क्या होने वाला है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट एक्स में। जो दोस्तों जो एयरटेल के जो सीईओ हैं मिस्टर सुनील जो मित्तल हैं, उन्होंने एक जानकारी दी कि ये उनका कहना है कि आने वाले आगे टाइम में अब जो उनके सब्सक्राइबर हैं उनको मोर देन जो डेटा है डेटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे और ज़्यादा ही देने होंगे। मोर देन अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं तो उससे डबल 100% एवव आपको वहाँ पेमेंट करना रहेगा प्रति GB के हिसाब से। उनका ये कहना है कि अगर आप 16 GB डेटा यूज़ करते हैं तो आज के डेट में आपको 10 रुपये प्रति GB के हिसाब से आपको 160 रुपये देने होते थे। आने वाले टाइम पर आपको अगर आप 160 रुपये की प्राइस अगर आप देते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ ओनली 1.6 GB डेटा यूज़ कर पाएंगे, यानी कि आपको 100 रुपये का एक प्रति GB डेटा मिलने वाला है, जो कि उन्होंने हिंट करके बताया है। जो मैं स्क्रीनशॉट आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे कुछ टेक्निकल्स न्यूज़ चैनल से उनके तरफ से ये अपडेट आई है और कुछ न्यूज़ में भी मिला है कि उनका यही कहना है कि 100 रुपये प्रति GB होने ही वाला है। और ये सही बात है कि अगर एयरटेल ये चीज़ करेगा तो सारे सब्सक्राइबर करेंगे, सारे कंपनीज करेंगी, तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये है कि इंटरनेट महंगा होने वाला है इंडिया में, जो कि अभी आज के डेट में अगर आप सर्च मारेंगे चीपेस्ट मोबाइल इंटरनेट इन इंडिया, सॉरी आज के डेट में अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे विच कंट्री मोबाइल इंटरनेट इज चीपेस्ट, तो सबसे पहले इंडिया का ही नाम आता है, क्योंकि सबसे सस्ता इंटरनेट सिर्फ अपने इंडिया में ही है, जो कि आगे आने वाले टाइम में महंगा होने वाला है। अगर आप आज की डेट में सर्च करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं सर्च कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और ये जो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है कि आने वाले टाइम पर डेटा महंगा होने वाला है, क्योंकि डेटा की कॉस्ट ज़्यादा है, यूज़र ज़्यादा आ गया है, डेटा खर्च भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस चक्कर में उनको लिमिट करने के लिए उन्होंने वापस जो पुरानी कंडीशन आती थी, आपको 100 रुपये में सिर्फ 1 GB डेटा मिलेगा और अगर आप उसके अबव करेंगे तो आपको लिए उसका चार्ज देना होगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है एयरटेल की तरफ से। आने वाले टाइम पे क्या पता जियो वोडाफोन आइडिया ये कंपनी भी करती है या अनाउंस करती है नहीं करती, पर एयरटेल की तरफ से तो प्रॉपरली हिंट दे दिया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। आने वाली वीडियो में अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।